हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वो आर मोस्ट वेलकम ऑन डब्ल्यू एस अकेडमी दिस इज जनरल साइंस लेक्चर स्पेशली फ्रॉम बायोलॉजी सेक्शन दिस इज लेक्चर नंबर टू इससे पहले हमने एक लेक्चर किया तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे हम देखेंगे जो जितने भी ह्यूमन डिजीज है जितने भी इंसानों को डिज़ीज़ लगती है उनका रीज़न उनका कॉज़ हम देखेंगे किस आपको पता है वो पैथोजन से ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही लगती हैं चाहे फंगई हो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो या प्रोटोजोन पैरासाइट हो तो हम देखेंगे आज की कौन सी डिज़ीज़ किस माइक्रो ऑर्गेनिज़म से लगती हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं फंगई से फंगई से कौन कौन सी डिज़ीज़ हो जाती हैं राइट right? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहां पे आप देख, देख सकते हैं रिंग वर्म की बात आती है रिंग वर्म जो डिजीज है वो कॉज कौन करता है माइक्रोस्पोरम ये फंगाई कॉज करता है माइक्रोस्पोरम कॉज करता है ट्रिकोफाइटोन लेकिन ये कैसे होता है बाई डायरेक्ट कंट्रैक्ट फ्राम अनबाथड कैट्स डॉग्स और ऑब्जेक्ट्स हैंडल्ड बाई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स बेसिकली जो रिंग वर्म है ना ये फंगई से होता है माइक्रोस्पोरम से होता है और आ, ये यूजली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है किसके साथ अगर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करोगे जैसे कोई आ, बिलिया और आ, ये कुत्ते होते हैं और उनके साथ आप खेलते हो उनके साथ जो है टच करते हो उनको और जो कौन से वाले होते हैं जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ना जो जो बिल्कुल जिनने कभी नहाया नहीं होता है अनबॉथड कैट्स एंड डॉग्स जो होते हैं बाकी तो होते हैं पैट जो होते हैं पैट एनिमल्स जैसे पैट uh, किसी का होता है कैट uh, होती है किटन होता है डॉग होता है लेकिन उनको वो ख्याल भी रखते हैं उनका यूजली uh, वो रेगुलरली uh, uh, जो है शावर उनको लेते हैं उनका शैम्पू यूज़ करते हैं उन पर लेकिन जो अनबाथड कैट्स और डॉग्स होते हैं ना वो इन्फेक्टेड होते हैं या अगर कोई डिफरेंट इन्फेक्ट इंडिविजुअल भी होगा उसके साथ अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा तो उससे क्या हो जाता है रिंग वर्म हो जाता है राइट right? ओके okay. ये याद रहा रिंगवर्म का उसके बाद हम दूसरा एक डिजीज के बारे में पढ़ेंगे दैट इज एथलीट्स फूड एथलीट्स फूड जो है इस ये किससे होती है ये ट्रिकोफाइटॉन से होती है ट्राइकोफाइटोन से आ, ये भी फंगाई काज करता है बाय बैड फूड हाइजीन वायर स्किन रिमेन्स वार्म एंड मॉइस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड फंगई फाइंड्स ऑप्टिमल कंडीशन इन वे डेड आउटर लेयर ऑफ स्किन देखो बेसिकली ये कहाँ से होता है जो एथलीट्स फूड है ना वो क्या हो जा वो किस कैसे होता है Uh, जब इंसान की जो स्किन है ना बैड फूड हाइजीन बैड फूड हाइजीन मतलब जब हम अपने पैर अच्छे से साफ नहीं करते हैं मतलब जब स्किन क्या रहेगा वार्म रहेगा और मॉइस्ट रहेगा बहुत समय तक जैसे हम क्या करते हैं हम पैर धोते हैं अपने लेकिन फिर वो गीले रहेंगे ज़्यादा टाइम तक तो यहाँ से टम्परेचर भी हाई होगा वारम भी रहेंगे गर्म भी होंगे हमारे पैर और मॉइस्ट भी रहेंगे रहेंगे ज़्यादा पीरियड टाइम तक लॉन्ग पेर तक जैसे उंगलियों के बीच में ऐसे उंगलियां जो होती है दो उंगलियाँ उनके बीच में हो जाता है यूजली वो कैसे होता है जब वो जो है गीली हो गीले होते हैं हमारे पैर वहाँ वह पे मॉइस्चर रहता है ज़्यादा समय तक तो फंगई क्या होता है फंगाई के लिए वो सबसे अच्छी कंडीशन होती है एक तो टेम्परेचर भी हाई होता है वॉरम होते हैं पैर पैर और होते हैं मॉइस्ट होते हैं तो फंगाई क्या होता है वो इवेट करता है और जो बेसिकली ऊपर वाली सर स्किन की लेयर होती है डेड आउटर लेयर होती है स्किन की उसमें वो इन्वेट करता है फिर वो उसे होता है एथलीट्स फुट हम उसको बोलते हैं राइट उससे इंफेक्शन हो जाता है फंगल इंफेक्शन राइट तो इसमें आपको क्या कर, याद करना है जब जो ज्यादातर से क्वेश्चन बनता है एक तो रिंग वर्म फंगस से भी होता है और जो है एथलीट फूड वो भी फंगस से होता है इसके बाद हम देखेंगे ह्यूमन डिजीज जो कि वायरसेस से होती है वायरसेस तो से ज्यादा डिजीज होती है और ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहती है तो वायरसेज से कौन कौन सी डिजीज़ होती है देखते हैं सबसे पहले स्मॉल पॉक्स उसके बाद चिकन पॉक्स उसके बाद कॉमन कोल्ड उसके बाद इंफ्लूसा फ्लू उसके बाद मम्प्स और उसके बाद वायरल एनसेफेलाइटिस और उसके बाद पोलियोमाईटिस और रीज डेंगू फीवर एक्वायर्ड एमनोडिफेंसी सिंड्रोम एड्स लिकी, लिकीमिया वायरस तो ये सब किससे होता है वायरस से होता है हम एक एक करके पढ़ लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कभी क्या होता है वो मैच द फॉलोइंग आता है कौन सी डिजीज किससे होती है स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है ये किस वायरस से होता है वायर वायरियोला वायरस से होता है बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या ड्रॉपलेट्स इनडायरेक्टेड बाई इन्फेक्टेड आर्टिकल्स जितने भी इन्फेक्टेड आर्टिकल्स होंगे अगर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेंगे या ड्रॉपलेट्स उनके साथ टच होगा तो उससे स्मॉल पॉक्स होता है क्योंकि वो किस वायरस से होता है वायरोला वारे वायरस से राइट right? तो इसके बाद हम देखेंगे चिकन पॉक्स का चिकन पॉक्स इज़ काज बाय वेरीसिला वायरस इसे भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा ड्रॉपलेट्स से या इनडायरेक्टेड बाई इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होगा या किसी ऑब्जेक्ट को इन्फेक्ट हुआ है फिर उससे किसी और को लगेगा तो वो इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट हुआ और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हुआ डायरेक्टली जो ड्रॉपलेट्स आते हैं जिनमें वायरस होता है उससे चिकन पॉक्स हो जाता है और किस वायरस से होता है वेरीसिला वायरस से हो जाता है इसके बाद अगर हम कॉमन कोल्ड की बात करेंगे तो रिनो वायरस ये फैलाता है कॉमन कोल्ड और आपको पता है कॉन्टैक्ट से ही होता है अगर किसी के ड्रॉपलेट्स कोई स्नीज करता है कफ़ करता है उससे भी हो जाता है इन्फ्लुएंजा या फ्लू जब होता है वो किससे होता है आपको पता है फ्लू जब होता है वो अगर एक इंसान को होगा तो दस इंसानों को हो जाएगा क्योंकि वो जल्दी फैलता है बाय ऑर्थो मिजो वायरस ऑर्थो मिजो वायरस से होता है और इससे इसमें भी ड्रॉपलेट्स से होता है अगर छी, छींकता है कोई तो उससे भी इन्फ्लुएंजा फ़्लू फैलता है वायरस ट्रांसमिटेड थ्रो डिस्चार्ज फ्राम रेस्परेटरी ट्रैक्ट्स ऑफ तो पर्सनस इन्फेक्टेड विद डिज़ीज़ अगर किसी को फ्लू होगा और वो फिर छींकेगा वहाँ पर खांसेगा वहाँ पर तो वो जो एयर में उसके ड्रॉपलेट्स चले जाते हैं तो उसमें वो वायरस चला जाता है तो जितने भी आसपास वाले लोग होते हैं अगर वो अन मास्कड होंगे अगर उनको मास्क नहीं लगा के होगा तो उनको ज़्यादा से नाइन्टी परसेंट चांस होते हैं कि को भी फ्लू हो सकता है तो इसलिए फ्लू में हम क्या कहते हैं फ्लू में सबसे बड़ा प्रिकॉशन होता है फेस मास्क इस्तेमाल करना उसके बाद हैंड सैनिटाइज करना सो देट की कॉन्टेक्ट ना हो इनके साथ राइट right? उसके बाद अगर हम माप्स की बात करेंगे माप्स मप्स वायरस फैलाता है इससे इससे भी अगर डायरेक्ट कांटेक्ट होगा या वायरस इन स्लाइवा स्लैवा जो हमारे मुंह में एक वो वेटनेस होती है उसको स्लाइवा बोलते हैं एंड स्क्रीशन ऑफ नोज़ इन इन वेड सिलवेरी ग्लैंड और बेसिकली जो है हमारी जब नोज़ बह रही होती है तो उसमें भी क्या होता है सिलवेरी ग्लैंड में बेसिकली इन्फेक्शन होती है वायरल इन्फेक्शन तो उसको हम माप्स बोलते हैं What en encephalitis caused by encephalitis virus. आरबो वायरस भी इसको हम बोलते हैं बाई सम डोमेस्टिक ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो बाइट टू अ मैन बेसिकली वायरस एनकेफेलाइटस जो होता है ये ये डोमेस्टिक एनिमल्स में ज़्यादा रहता है वो रिज़ायर व रिज़र्व वायर है इस वायरस के लेकिन फिर क्या होता है जब मॉस्किटोज़ पहले वो एनिमल्स में बैठते हैं फिर आके फिर इंसान को काटेंगे तो ये जो वायरल वायरल एनकेफेलेटस है ये फैलता है उसी से मॉस्किटो के बाइट से राइट right, तो ये भी एक वायरल डिजीज़ है पो पोलियो माइलीट्स पोलियो माइलीटिस जो है ये किस से होता है पोलियो वायरस से ये भी कॉन्टैक्ट से हाउस फ्लाइज फ्लीज फूड एंड वाटर अगर uh, जो है पानी इन्फेक्टेड uh, होगा खाना इन्फेक्टेड होगा हाउस फ्लाई जो मक्खियाँ होती है घर में उनसे तो पोलियो वायरस से पोलियो माइलीट्स होता है जिसको हम पोलियो बोलते हैं इसके बाद रीज रीज इज काजड बाय रीज वायरस बाय अ बाइट बाय अ मैड डॉग जो पागल कुत्ता होता है ना यूजली जो, जो डॉग होते हैं तो वो तो काटते नहीं है लेकिन जो पागल कुत्ते होते हैं वो दे दे बाइट पीपल जो जो भी उनके सामने जाएगा तो जो मैड डॉग होते हैं जब वो बाइट करते हैं जब uh, जब वो काटते हैं किसी को तो उनमें क्या होता है बेसिकली मैड डॉग में क्या होता है रैबीज़ वायरस uh, uh, होता है रेबडो वायरस राइट तो उसी से क्या हो जाता है उसी से राइबिस फिर लगता है इंसान में क्योंकि अगर किसी भी इंसान को कोई कुत्ता काटता है पागल कुत्ता उसको फिर वो इंजेक्शन आई थिंक फोर्टीन इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं तो क्यों क्योंकि अगर उसको नहीं लगाएंगे तो उससे रैबीस हो जाएगा तो एंटी रेबिस जो वो वैक्सीन लगाते हैं तो उसको हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं राइट right? ओके okay. उसके बाद हम करेंगे बात डेंगू फ़ीवर की डेंगू फीवर आपको पता ही गर्मियों में हो जाता है आप देखोगे दिल्ली में मौसम ऐसा होता है उसमें बारिशें भी बहुत होती है वो पानी जमा रहता है तो उससे डेंगू फीवर होता है या ब्रेक बोन फीवर भी इसको बोलता है बोला जाता है ब्रेक बोन फीवर भी कॉज्ड बाय डेंगू वायरस ये डेंगू वायरस से होता है बाय मॉस्किटो एडीज़ बाय जो फ़ीमेल मॉस्किटो होते हैं ना मॉस्कीटोज़ की जो फ़ीमेल होती है उसको एडीज़ बोलते हैं तो उसकी जो उसके काटने से हो जाता है क्योंकि आपको पता है बहुत जब समर सीज़न होता है तो आपको पता है दिल्ली में भी क्या होता है

एक्यर्ड इम्यून सिंड्रोम एड्स की बात करेंगे कॉज बाय ह्यूमन टी सेल टी सेल होता है जो हमारी ये होती है ना इम्यून सिस्टम तो उसी के रिलेटेड होती है तो ह्यूमन हमारी ह्यूमन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती है वाइट ब्लड सेल्स की जो टी सेल होती है ना उस उसमें अगर ये हो जाएगा कुछ ऐसा इधर उधर हो जाएगा तो एड्स हो जाता है एड्स भी क्या है वायरल एक डिज़ीज़ है ये भी वायरस से ही हो जाती है जैसे एच आई वी एच आई पहले जो है ये एक लोअर ये होता है थोड़ा सा ये हो जाता है वायरल इन्फेक्शन हो जाता है और अगर ज़्यादा समय तक एच ऐसे ही रहेगा तो उसे क्या होता है एड्स हो जाता है फिर और एड्स बेसिकली एड्स या एच आई किसको होता है जिसका इम्यून सिस्टम बैठ जाता है इस वजह से क्या हो जाता है इंसान का इम्यून सिस्टम ही बैठ जाता है और फिर वो लड़ नहीं पाता है इसके साथ उसके बाद अगर हम बात करेंगे लनकीमिया वायरस इसको हम एच टी एल वी थर्ड भी बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड लेव एल ए वी रिटो वायरस की है एक ये किसे होता है बाई ब्लड एंड सुपर्म अमंग होमोसेक्चुअल्स हिटरोक्चुअल्स इंट्रोवेनस ड्रग यूजर्स हेमोफिलिकस प्रोमिकस इंडिविजुअल्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स तो ये किससे होता है ये ब्लड से फैलता है स्पर्म से फैलता है जो होमोसेक्चुअल्स के होते हैं उनमें हिट्रोसेक्चुअल्स में या प्रोस्टोट्यूट जो होते हैं उनमें ये फैलता है राइट right? तो इसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन डिजीज इज बाय बैक्टीरिया बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज होती हैं राइट right? तो ये आप एक दो बार रिवाइज कर लेना तो आपको याद हो जाएगा सेप्टिक सोर थ्रोट अगर क्या हो जाता है का हमारा जो गला होता है वो बैठा हुआ था सोर थ्रोट हमें जब हम नींद से उठते हैं तो फिर सोर थ्रोट लगता है वो कौन फैलाता है कॉज्ड बाय सेप्ट्रोकोकस बाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन थ्रोट एंड नेजल मेम्बर बाई ड्रॉप एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो बेसिकली ये जो बैक्टीरिया होता है सेप्ट्रोकोकस uh, uh, जो सोर थ्रोट होता है इससे ये नेजल जो हमारी नाक के अंदर वो मेम्ब्रेन्स होते हैं या थ्रोट के थ्रोट वाले मेम्ब्रेन्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है ड्रापलेट से या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से राइट तो शोर छोड़ तो आपको पता है विंटर्स में भी ज़्यादा होता है या अगर एक को हो जाएगा तो दूसरे को भी फिर हो ये हो ही जाता है एक मौसम सीजनल भी होता है ये उसके बाद डिप्थीरिया की अगर हम बात करेंगे कॉज्ड बाय इरेग्युलर रॉड बाय बैक्टीरिया इन्फेक्ट्स रेस्परेटरी ट्रैक्ट बाई कैरियर थ्रो कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट्स एंड फूड आइटम्स तो डिप्थीरिया भी एक जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जो एक बैक्टीरिया है वही ये उसी से हो जाता है वो इन्फेक्ट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक ट्रैक को या तो किसी कैरियर के थ्रू या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या ड्रॉपलेट्स के थ्रू या फूड आइटम्स के थ्रू उसके बाद आता है बात नमूनिया की नमूनिया काजड बाई डिप्लोकस न्यूमोनिया बाई बैक्टीरिया ट्रांसमिटेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द लंग्स बाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नमूनिया क्या होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा फीवर होता है उसमें और लंग्स में इन्फेक्शन हो जाती है और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जब होती है तो उससे हाई फीवर हो जाता है उसको हम नमूनिया बोलते हैं तो वो भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है Two per closes, two per closes. Uh, होता है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है ये हो जाती है माइको बैक्टीरियम टूबरक्लोस से ट्यूबरक्लोस हो जाता है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोस से तो जब बैक्टीरिया क्या हो जाता है ट्रांसमिट होता है लंग्स की ओर बोन्स में और अदर ऑर्गन्स में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट मिल्क इंफेक्शन फूड एंड मिल्क तो अगर किसी खाना इंफेक्टेड होगा मिल्क इंफेक्टेड होगा या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैलेगी तो ये डायरेक्टली लंग्स में चला जाता है ट्यूबरक्लोसिस किससे फैलता है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से हो जाता है इस, इस बैक्टीरिया का नाम है माइको बैक्टीरियम टूबरक्लोस तो ये, ये ये भी लंग्स पे अटैक करता है और जो ट्यूबर क्लोज होती है यूजुअली वो खाँसते रहते हैं फिर उसके बाद अगर हम प्लूग या ब्यूबॉनिक की बात करेंगे प्लेग या ब्यूबॉनिक काजर बाई शॉर्ट इसका जो ये बैक्टीरिया है इसका नाम है यर्सिनिया पेस्टिस बाई रैड फिली स्प्रेड डिजीज फ्राम रैड टू मैन ये जो प्लेग या ब्यूबॉनिक प्लेग हम उसको बोलते हैं ये बहुत पहले जमाने में बहुत ये हुआ करता था ये चूहे से फैलता है चूहे से इंसान की ओर फैलता है राइट right? उसके बाद टेटनस टेटनस आपने सुना ही होगा नाम या लॉक जो अभी इसको हम बोलते हैं कॉज्ड बाय कोलोस्टोडियम टेटनी ये एक बैक्टीरिया है कोलोस्टोरियम टेटनी जो कि सॉयल में पाया जाता है ये थ्रो अगर जख्म लगेगा किसी को फिर उसी जख्म के थ्रो उसको चांसेस होते हैं होने के जब भी किसी को कोई किसी भी जगह पर लगती है कहीं पर भी पैर पे टांग पे हाथ पे तो फिर पहले डॉक्टर बोलता है कि, कि किस चीज़ से लगी अगर थोड़ी चीज़ पुरानी होगी या जो होगी डटी कोई चीज़ होगी जो धुली नहीं होगी तो उसको उसी टाइम पर ट्रैक्टेस्ट करते हैं क्यों क्योंकि कभी कहीं ऐसा ना हो कि कोलोस्ट्रेडियम टैडनी जो है ये बैक्टीरिया से अंदर आ जाए इंसान के क्योंकि ये जख़म के थ्रू ही अंदर आ जाता है टाइफाइड और एंट्रिक फीवर आपको पता है टाइफाइड ट्रा, भी बहुत सारे लोगों को होता है अगर कोई लोग पानी पीते हैं और वो पानी इन्फेक्टेड होता है गंदा पानी होता है गंदा खाना खाएंगे या फेस से या या मक्खियाँ बैठती हैं किसी गंदगी पे फिर वो आके खाने पे बैठती है वही कोरर हो कैरियर को, बन जाती है ये भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया टाइफ, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से फैलता है सलमोनिला टाइफी बैक्टीरिया से ये फैल जाता है ये भी वाटरबॉर्न डिजीज भी है बन जाती है फिर कॉलरा कॉलरा की हम बात करेंगे तो विब्रियो कॉलरी से फैलता है ये भी फैलता है कि अगर मक्खियाँ गंदे चीज़ों पे बैठ के फिर हमारी पानी पे फिर खाने पे स्टूल्स पे बैठेंगी तो फिर ऑब्वियसली इंसान में ये कॉलरा फैलता है गंदा पानी पीने से भी कॉलरा फैलता है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है उसके बाद बेसलरी डिसेंट्री काजर बाई किस शिगेला डिसेंट्री इससे हो जाता है ये भी किसे देखो ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना आपने देखा होगा ये ज़्यादातर गंदा पानी पीने से जो फूड है अगर वो इन्फेक्टेड होगा या मक्खियाँ जब हम किसी गंदगी पे बैठते हैं फिर आके हमारी पानी पे खाने पे बैठते हैं उससे हो जाती है बैक्टीरियल डिजीज चाहे टाइफाइड की बात हो डिसेंट्री हो कॉलरा हो ये सारी चीज़ें इसी से हो जाती है वो कप की अगर हम बात करेंगे तो ये हेमोफिलस प्रूशस सॉरी आई प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग तो ये भी हो जाता है अगर आप कोई इंसान खासता रहता है या छींकता रहता है तो उस वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू वो बैक्टीरिया आके किसी दूसरे पर्सन जो आगे बैठा होता है उसमें चला जाता है साइल फिलिस इसकी प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लेकिन है क्या असल में ये किसे कॉज होता है स्पायरल शेपड ऑर्गेनिज्म एक है ट्रिपोनीमिया पेलीडियम ये ये भी इसीलिए से ये यूजुअली किससे होता है चीपली सेक्सुअल इंटरकोर्स से हो जाता है या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से या सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है साइफिलिस तो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है लेप्रोसी लेप्रोसी इज कॉज बाय बै माइको बैक्टेरियम लेपरी बाई बै लॉन्ग एंड क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन तो लेप्रोसी भी अगर इन्फेक्टेड लोगों के साथ ज़्यादातर इंसान क्लोज कॉन्टेक्ट में आएगा तो उनसे भी हो जाता है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि माइको बैक्टेरियम से हो जाता है बोटुलिज्म बोटुलिज्म इज कॉज बाय कोलेस्ट्रोडियम बोटोलिनियम बाय आर्गेनिजम्स प्रोड्यूस पॉइजन इन फूड बेसिकली जब कोई भी कोई जिसको ये हो जाता है ना बोटुलिज्म वो जब भी खाना खाता है ना उसको पेट दर्द हो जाता है क्योंकि उसको फूड पॉइजनिंग हुई होती है तो अभी एक बैक्टीरियम है कोलोस्टोडियम बोटोलिनियम ये क्या करता है खाने को इन्फेक्ट करता है पॉइजन बनाता है खाने को जब इंसान वो खाना खाता है यूजली जब बाहर uh, हो वो छोटे वो ढाबू में जो रोड साइड पे होते हैं क्योंकि वो उनको डका नहीं होता है खाना तो उस पर बैक्टीरियल होती है, जब वो खाते तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है क्योंकि किसी-किसी लो, कुछ लोगों का ये होता है जो इंटेस्टर सिस्टम होता है या इसमें वो बाउल सिंड्रोम हो जाता है उनको क्या होता है उनका सेंसिटिव होता है बहुत अंदर वाला सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम तो जो ही वो खाते हैं उनको फूड पॉइजनिंग होती है फिर उनको डिसेंट्री फीवर आगे हो जाती है फीवर भी उससे हो जाता है राइट right? तो इसके बाद ही ह्यूमन डिजीज़ काजड बाई प्रोटोजोन्स प्रोटोजोन से कौन कौन ह्यूमन डिजीज़ होती है सबसे पहले इमोबिक डिसेंट्री तो ये कौन काज करता है एंटो एंट इमोबा हिस्टोलिटिका ठीक है बट ये तो एक ट्रांसमिट होता है फ्रॉम मैन टू मैन थ्रो इंजेक्शन ऑफ सिस्टर्स इन ड्रिंकिंग वाटर बट वेजिटेबल्स फूड कंटेम्पेटेड विद फीस तो इसमें भी अगर खाना गंदा होगा पानी गंदा होगा तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलता है एमोबिक डिसेंट्री इससे भी आपको पता है डिसेंट्री में ज्यादातर वॉशरूम जाना पड़ता है फिर उसमें भी जब इंसान खाना ही गंदा खाएगा तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा तो उससे फिर अंदर भी इंटस्टेन में प्रॉब्लम हो जाती है उसके बाद डायरिया गर्देस काजर बाई ग तो यह भी फैलता है, में, में, तो है आप देखते हो, कहीं पे, किसी में गंदा पानी हो गा पानी होगा उसमें बच्चे बूढ़े जवान सबको डिसेंट्री हो जाती है सबको डहेरिया होता है फिर वो कोई मेडिकल टीम वहाँ पर जाता है और उनको फिर वो ओ आर एस गोल के पिलाते हैं या बाकी उनको ड्रिप लगाते हैं क्योंकि जब भी आप इंफेक्टेड चीज, चीज खाते हो न, तो उससे तो होने 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 का 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 खतरा खतरा होता होता है डिसेंट्री फीवर चढ़ने है क्योंकि जब जब आप कोई, जब आप कोई कोई इंफेक्टेड चीज खाते हो तो ऑब्वियसली उसमें वायरस बैक्टीरिया तो होते ही होते हैं ज्यादातर बैक्टीरिया होते हैं और फिर बैक्टीरियल डिजीजे होने का खतरा होता है उसके बाद अगर हम मलेरिया की बात करेंगे ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है एक बैक्टीरिया उससे हो, हो जाता है मलेरिया ये भी ट्रांसमिटेड टू मैन बाय बाइट ऑफ एन इंफेक्टेड फीमेल वो मॉस्किटो uh, जो होती है ना जो फीमेल मॉस्किटो होती है अगर वो काटेगी इंसान को तो उसी से हो जाता है पहले एक इंसान पे बैठती है फिर दूसरे इंसान पे बैठती है तो जो ये बैक्टीरिया है उसको प्लाजमोडियम वाइवेक्स भी बोलते हैं तो मलेरिया प्लाजमोडियम बैक्टीरिया से फैलता है स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है ये होता है ट्राई ट्राईपेनासोमा ब्रोकी से हो जाता है तो ये टेस्टी टेस्टी फ्लाई जो होती है ना टेस्टीज फ्लाई टी एस सी टी एस ई एफ एल वाई टेस्टी फ्लाई जो होती है इसके काटने से हो जाता है ट्रांसमिट होता है स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है तो ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी हो जाता है ब्रूसी से ये एक तो प्रोटोजोन है सॉरी ये प्रोटोजोन है सॉरी ये प्लाज्मा मोडियम वाईवैक्स भी प्रोटोजोन है ये प्रोटोजोन डिजीज हम पढ़ रहे हैं तो ये उनसे हो जाता है स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है टेस्टी फ्लाई से याद रख लेना राइट तो ये सब कुछ था स्लीपिंग सिकनेस मलेरिया डहेरिया और uh, एमोएबिक डिसेंट्री हो जाती है प्रोटोजोन से राइट तो आई होप कि एक क्विक रिविजन मैंने आपको दिया आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी लेकिन थोड़ा सा क्विक रिविजन कि पानी के इन्फेक्ट होने से फूड के इन्फेक्ट होने से या फीमेल मॉस्किटो के काटने से या लंग्स पे कौन सी डिजीज अटैक करती है या एड्स के से कैसे जो है, इम, है इम्यून सिस्टम जब वीक होता है तो एच होता है एच अगर ज़्यादा समय तक रहेगा तो एड्स होगा तो ये क्विक रिविजन था आई होप आपने जो है ऑलरेडी जो चीज़ें पढ़ी हुई हो, होगी हो तो या जिसने नहीं पढ़ी होंगी तो न्यू वर्ड्स एड हुए होंगे नए कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज़ हुए होंगे तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन की आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ